हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप और आपकी फैमिली सुपर भी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी जाके मगरिब में हमने नमाज़ पढ़ी और 6 नफिल नमाज़ें पढ़ के आया हूँ मैं। आज के दिन जो है शबे बारात का दिन होता है और शबे बारात का दिन जो होता है, मतलब शबे बारात की जो रात होती है एग्जैक्टली, वो इतनी नियामतों वाली होती है कि आप उस रात को इबादत करने के बाद अपनी हर गलतियों की माफ़ी मांग के और अपनी ज़िंदगी को आगे और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शेयर करूँगा कि मैं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ। आज मैं कब्रिस्तान जाने वाला हूँ, मेरी डैडी की कब्र पे, वहाँ बुज़ुर्गाने दीन है उनकी कब्र पे जाऊँगा, दादी की कब्र पे जाऊँगा और मेरे बच्चे भी हैं, देखिए आ चुके हैं वो। तो यस, जैसे कि आप जानते हैं हम हो चुके हैं पूरी तरह रेडी और हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, दादी की कब्र पे, दादा की कब्र पे सबकी तरफ, और दरगाह भी जाएंगे, बहुत जगह जाएंगे और दुआएं करेंगे सबके लिए कि जितनी भी हमारी YouTube फैमिली और Instagram फैमिली और Facebook फैमिली हो, सब अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह रहें। तो चलिए ये ब्लॉग देखिएगा, शबे बारात का हमारा स्पेशल ब्लॉग। ये कितना अच्छा से सजाया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर। चलिए सोते हैं और यह हमारी लिफ्ट है, अभी हम लोग जाएंगे लिफ्ट में, शैतान का वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं आगे। अब हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं, मम्मी तो यहाँ, शैतान, डैडी और मैं हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। स्टेशन देखिए, नाइट लुक, आपने डे का लुक देखा है, नाइट का लुक। चलिए चल रहे हैं आगे और दिखा दे आप। सुबह कहाँ पहुँच चुके हो आप? हम पहुँच चुके हैं, देखिए अब हम लोग चढ़ेंगे। ये आ चुके हैं हम बांद्रा स्टेशन। बांद्रा स्टेशन की खूबी क्या है मालूम है? देखिए ये जो है ना, बहुत ही पुराना बना हुआ है, ये बहुत ही पुराना। शहजान भाग चुका है। अब जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले हैं हम मस्जिद में, ईशा की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे सीधे कब्रिस्तान। जैसे कि देख रहे हैं आप, सुभान और शहजान कहाँ पहुंच चुके हैं? ये रही हमारी खूबसूरत सी मस्जिद और बस ये रही रौनक, और ये रास्ता जो जा रहा है वो जा रहा है कब्रिस्तान के लिए। ये रही मस्जिद।
जा रहे हैं दादा की कब्र के पास, तो ये है हमारे दादा की कब्र। तो अब हम आ चुके हैं, हाँ तो अब हम आ चुके हैं हमारी नानी के घर और अब हम जा रहे हैं टेरिस पे। तो मंगिया से हम मिल चुके हैं और जा रहे हैं टेरिस पे। वाव, बहुत ज्यादा ठंडी है। देखो यहाँ डैडी है। तो हमारी प्यारी मदी, हाँ दिखाओ, हाँ दिखाओ मदी बाबू, मदी मधु, कितना अच्छा अच्छा लुक आ रहा है। और यहाँ हमारी प्यारी मदी आ चुकी है, चांद आ चुका है, चांद, हाँ चांद, ये चांद, ये चांद और ये चांद। वाओ, तो यहाँ हमारी मदी है, सब बैठे हैं ऊपर, हम खा रहे हैं खाना। चलिए आप भी चलते हैं आगे। यस, वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा, दरगाह से निकल गए और निकलते निकलते हो गई लेट, नमाज भी पढ़ ली हम लोगों ने। तो अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 11:51। तो यस, 11:51 की ट्रेन मिल रही है और आज पूरा प्लेटफॉर्म अभी खाली है, तो फटफट चलते हैं और आगे से ट्रेन पकड़ेंगे हम लोग। यहाँ शेजान है, यहाँ सुबहान है। सुबहान, कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा सफ़र। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? कुछ खाना है आप लोग को? नहीं। और बैठ चुके हैं ट्रेन में और यहाँ शेजी क्या कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा नमाज पढ़ के? और बहुत दुआएं सबके लिए दुआ की आपने? सुबह आपने क्या क्या किए? तो आ चुके हैं हम लोग मीरा रोड स्टेशन। मीरा रोड की खूबसूरती आपको हमेशा दिखाते हैं और अभी भी दिखाएंगे एग्जैक्टली सुहान के पीछे। रात में भी इसकी खूबसूरती दिखती है। चलिए चलते हैं, शरण राम के आगे। चलिए चलते हैं आगे। पूरा सन्नाटा है यहाँ पे। फिर से हमारी आ चुकी है मस्जिद। देखिए हम पहुँच चुके हैं बिल्डिंग में और यहाँ पूरा सन्नाटा है। तो यस, आ चुके हैं घर पे। और जैसे कि आपने ये ब्लॉग देखा, होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। और आज की रात प्लीज़ ना सोएं, खूब अपनी लोगों के लिए दुआ करें, खूब नमाज़ें पढ़ें। हम भी अभी नमाज ही पढ़ेंगे, आप सबके लिए भी दुआ करेंगे और आप भी हमारे लिए खूब सारी दुआ कीजिए। अगर हमसे कोई गलती है तो हमारी गलतियों को प्लीज़ माफ़ कीजिए। और आप भी अपने बड़ों से और अपने छोटों से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आज की रात बहुत ही इबादत वाली रात है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।